तो एम्स अभी भी जाते हैं, हर महीने दवाई लाते हैं वहाँ से। वहाँ भी वो भी डॉक्टर भी अचंभे में पड़ गए। यहाँ से गई दोबारा, फिर डॉक्टर ने हालत देखी तो डॉक्टर भी अचंभा खा गए, डॉक्टर भी अचंभा खा गए एम्स के डॉक्टर। हाँ हाँ, कि मतलब ये कैसे सही हो रहा है। हाँ, डॉक्टर भी पीठ ठोक रहे थे। वो सर डबल बीमारी है ये नहीं है। हाँ। ये नस भी तड़क रही है यहाँ से, ये नस ब्लॉक बताइए यहाँ भी। हाँ जी, हाँ। कब से आ रहे हैं बागेश्वर धाम? बागेश्वर धाम आ रहे हैं हम 1 जनवरी से। 1 जनवरी से? हाँ जी। तो क्यों आ रहे थे? सर हमारी तबीयत खराब हो गई थी, अंदर दिक्कत आ रही थी, छाला बन गया था छाले से। हाँ जी। तो जब गुटखा खाएंगे तो ये चीजें होंगी, तो मवाद बन रही थी। हाँ। तो अच्छा, ये तो ये क्या हो गया था आपके? ये पूरा कट गया था। तो हाँ जी, डॉक्टर ने क्या कहा? तो डॉक्टर, हम अपने झांसी है हॉस्पिटल बड़ी, वहाँ गए मेडिकल में, तो कर दिया, बोले इसको ग्वालियर दिखा लो। तो ग्वालियर पहुँचे हम जैसे ही, तो वहाँ भी मना कर दिया। अच्छा। हाँ, बोले मतलब इसको, आप ये कह रहे हैं ग्वालियर में मना हो गया, झांसी में मना? हाँ जी, बोले इसको एम्स एक बार चेक करवा लो। हाँ जी, एम्स पहुँचे हम जैसे ही, तो वहाँ उन्होंने पहले जांच की, जांच के बाद दवाई दे के, 3 महीने की दवाई दे के घर आ गए। अच्छा। घर पे आए तो ऐसी गांव में बोले हम, कि ऐसी ऐसी समस्या है, तो बोले बागेश्वर धाम जाओ, वहाँ से ठीक हो जाए। ऐसे को आदमी में ये लगता है कि अब तो मैं 2-3-4 दिन का मेहमान हूँ। हाँ हाँ, सही बात, सही बात है, बिल्कुल। अब तो शायद वही कैंसर हो गया। हाँ, तो फिर कोई बोला दतिया में भी एक पंडुकर सरकार चलता है, कोई बोला वहाँ पे जाओ, कोई बागेश्वर धाम। तो मैंने रात को सोते समय विचार बनाया कि बागेश्वर धाम सही रहेगा, क्योंकि पंडुकर सरकार में पैसे लेते हैं। अच्छा। तो वहाँ मैंने सोचा आप अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, और क्योंकि इतना आपका पहले ऑलरेडी चला। हाँ, गया। हाँ, हाँ, तो मैंने सोचा बागेश्वर धाम सही है। हाँ, गुटखा छोड़ दिए। हाँ जी, सही हुआ। हाँ सही हुआ, मतलब यहीं से सही हुआ है। हाँ जी। दवा वावा नहीं खाई फिर? नहीं, दवा भी चल रही है, लेकिन महाराज जी बोले दुआ की भी जरूरत है और दवा की भी। दवा बंद मत करें। तो हमने ये सर किया जाता है, दवा भी खाते रहो, उसमें क्या है। तो एम्स अभी भी जाते हैं, हर महीने दवाई लाते हैं वहाँ से। वहाँ भी वो भी डॉक्टर भी अचंभे में पड़ गए। नहीं तो एक बार बताइए, जैसे सड़ा हुआ था तो आपका ये अधिकार, तो ये सर्जरी वर्जरी होनी थी, लेकिन ये काटा वाटा नहीं गया ना? नहीं, है ना, कुछ नहीं, लेकिन बोला गया होगा पहले। हाँ, बोला था इसका सर्जरी होगा। हाँ, हाँ। और घबराने वाली बात नहीं, अभी शुरुआत हुई है। अच्छा, कैंसर। हाँ, ये बोल दिया गया। हाँ, शुरुआत हुई है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ। तो ठीक है सर, लेकिन जब हम यहाँ से गई दोबारा, फिर डॉक्टर ने हालत देखी तो डॉक्टर भी अचंभा खा गए, एम्स के डॉक्टर। हाँ, खा गए। हाँ, कि मतलब ये कैसे सही हो रहा है। हाँ, फिर आपने क्या बताया? तो हमने उनको भी बताया कि बागेश्वर धाम जाते हैं, वो वहीं है, उन्हीं की महिमा है। तो बोले हमने कि प्याज लहसुन सब बंद कर रखा है। फिर डॉक्टर बोला प्याज लहसुन डॉक्टर की सलाह से खाओ, बाकी मीट मछली छोड़ के रखो। तो अब बाकी हमने फिर विचार बनाया मन के अंदर, हमने जब उन्हीं ने ठीक किया है, कहा कि डॉक्टर तो आते जाते रहते हैं। हाँ, डॉक्टर तो आदमी है। हाँ, तो फिर हमने इन्हीं के ऊपर भरोसा रख के फिर डॉक्टर की बात नहीं मानी। अच्छा, डॉक्टर ने ये कहा कि प्याज लहसुन आपने खाना है? हाँ जी, बोले एक दवाई है वो। अच्छा, इस चीज की। आपने कहा कि हमें नहीं खाना है? हाँ, मन में ठाना कि नहीं खाना है तो नहीं खाना है। तो फिर उन्हीं की कृपा से ना खाया है अभी तक। हाँ, टाइम हो गया छोड़े हुए? कम से कम 10-12 महीने हो गए। तो कोई प्रॉब्लम है आपको जो आपका मेडिकल प्रोसेस था? नहीं, दोबारा फिर जांच हुई। हाँ। उसमें अब की बार इन्फेक्शन आया है, मतलब पहली बार में कैंसर। हाँ, अब की बार में यहाँ बालाजी के यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, तो कैंसर मिट गया। हाँ जी, उसमें इन्फेक्शन इन्फेक्शन आया जांच में। तो ऐसे कैसे संभव? अभी डॉक्टर भी अचंभा खा रहे। वही तो कह रहा हूँ मैं, तो खुद कैसे हो गया? वही तो, हमारी भी इनके बालाजी के सरकार में। बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं झूठ। सर हमारे पास पूरे आईडीटी कार्ड रखे हैं, पूरे जितने भी हम जहाँ जहाँ हॉस्पिटल में गए हैं, पूरा एक बैग पड़ा है। तो देखिए, ये चीज आप बोलेंगे तो लोग, मतलब गलत संदेश नहीं जाना चाहिए ना, कि भ्रमित हो जाएं लोग, कि लोग यहाँ आ जाएं और फिर ठीक। नहीं नहीं सर, बिल्कुल हमारे पास ऑलरेडी सब कागज है एम्स का। और आप ऐसे धाम में खड़े झूठ तो नहीं बोल? नहीं नहीं, धाम पे बराबर अभी नहीं आए हम, 3 महीने से आज ही आए हैं। 3 महीने पहले हर मंगलवार आते थे। अच्छा। फिर मजदूर आदमी है सर, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। सही बात।
तो लेकिन झूठ नहीं बोलते है ना? परदेश निकल गए थे कमाने के लिए, ठीक है, वहीं दवाई करवाते थे वहीं कमाते थे। ये है कि ये तो मैं बहुत मैं खुद शॉक्ड हूँ कि ऐसे कैसे संभव हो गया कि पहली रिपोर्ट में कैंसर आ। सर हालत देखो आप, हालत ही देखो, वही दिख रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। सर बिल्कुल यहाँ से मवाद अपने आप ऐसे उंगली डालो आ जाती थी बिल्कुल उंगली पर, नहीं सब इन्हीं की महिमा है। हाँ जी देखिए तो सर आप देखिए बिल्कुल इनका कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल डॉक्टर भी पीठ ठोक रहे थे। हाँ। वो सर डबल बीमारी है ये नहीं है। हाँ। ये नस भी तड़क रही है यहाँ से, ये नस ब्लॉक बताइए यहाँ भी ये वाला ब्लॉक। हाँ जी हाँ जी वो भी ठीक हो रहा है। हाँ ये भी ठीक हो रहा है, यहाँ पे इंजेक्शन भी लगाया गया है ब्लॉक करने का। सर इन पे थोड़ा ज्यादा पाया जा रहा है क्योंकि डॉक्टर की बात हमने नहीं मानी, लहसुन प्याज चालू किया है, बोले एक दवाई है वो। आपने माना नहीं? नहीं। तो जिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है या कोई समस्या है तो उनको क्या कहेंगे आप? हम उनको यही बोलेंगे कि विश्वास नहीं है तो एक बार पांच बार आके देखें, अगर 19-20 का फर्क पड़ेगा तो उनका ही बालाजी का ही वो होगा। मतलब आप ये कहते हैं कि जिनको प्रॉब्लम है हाँ जी वो एक बार आ जाएं तो चीजें सही हो जाएंगी। कुल मिला के 100% वो पांच बार दर्शन करें यहाँ पे। हाँ जी और जो आपने बोला बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल राइट बात है सर, मेरे पास ऑलरेडी जी सब सबूत है, डॉक्यूमेंटेड है, आपका सब भी रहा है ना। हाँ जी ओके सर, थैंक यू सो मच, ठीक है।